Yes, good afternoon student and welcome to online lecture of Sharadi Maurya English School. So today I am going to start the explanation of fourth chapter, that is Vedic civilization. Okay, so in this chapter we are going to learn so in this chapter we are going to learn the Vedic literature 4.1 and 4.2 family system day to day life. What were the family system at during Vedic literature, and 4.3, that is agriculture, animal husbandry, economic and social life in Vedic culture, in Vedic civilization. Okay, and 4.4 religious ideas. What were the religious ideas that the people were following at the time of Vedic civilization? Okay, and the last one that we will learn in this chapter, that is political system. So first is Vedic literature. Okay, 4.1, Vedic literature. So the civilization that is based on Vedic literature is known as Vedic civilization. Yes, so what the meaning what is mean by Vedic civilization? Vedic civilization means the civilization that based on, मतलब ऐसा civilization, और civilization मतलब जैसे people जो रहते हैं ना group में, एक अपना एक settle करते अपना, मतलब पूरा family या पूरा village के जो लोग होते हैं वो एक एक जगह पे, जैसे previous time में ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं होता है कुछ, तो उसी को क्या बोलते हैं, civilization बोलते हैं. मतलब एक group में, एक family नहीं, मतलब group of people, मतलब उनकी बहुत सारी families, जैसे एक छोटा सा विलेज, अभी जैसे हमको विलेज बोलते हैं, तो वो फॉर्म करना, तो वो हो गया सिविलाइजेशन, है ना. तो जो सिविलाइजेशन होता है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट वर बेस्ड ऑन वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है ना, तो दैट इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन. तो जो वैदिक लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है, तो उसे हम बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन. ओके, सो द वेदास आर कंसिडर टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर. यस, अब देखो इसमें जो वेदास होते हैं, राइट, सो जो वेदास है, तो दैट वर कंसिडर टू बी अवर अर्लीस्ट लिटरेचर. मतलब ये बहुत ही पुराना लिटरेचर है हमारे पास. मतलब हमारे पास जो लिटरेचर है ना, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास हमारी कंट्री में है, तो उन सब में जो सबसे जो अर्लीस्ट, मतलब सबसे जो पुराना है, तो दैट वेयर वेदास. ओके, एंड yes, so the Vedas were composed by many sages or rishis. yes, अब देखो जो Vedas होते हैं ना, तो वो compose किसे किया जाता है, they were composed by many sages or rishis, sages and rishis, तो इसे compose किया जाते हैं. now some Vedic hymns were composed by women. अब ऐसे बहुत सारे Vedic hymns हैं, means तो वो कौन कंपोज करता था, जो लेडीज, जो वुमेन होती थी वो टाइम की, है ना, तो वो कंपोज करते थे उसके. ओके, नाउ वैदिक लिटरेचर इज इन संस्कृत. ऑब्वियसली जो वैदिक लिटरेचर की जो लैंग्वेज थी, तो दैट वेयर संस्कृत, संस्कृत. ओके, मतलब ऑब्वियसली मतलब हमारे कंट्री में प्रीवियस टाइम में, मतलब बहुत पहले, है ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लैंग्वेज को दिया जाता था, संस्कृत को दिया जाता. तो इसके लिए जो वैदिक लिटरेचर है, तो वो भी कौन सी लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में था, इट इज़ इन संस्कृत लैंग्वेज. सो द वैदिक लिटरेचर इज़ वेरी रिच एंड डाइवर्स. ऑब्वियसली जो वैदिक लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा ही रिच है, एंड बहुत, मतलब उस अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर के ऊपर अगर हम स्टडी करने का, राइट, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी ऑन वैदिक लिटरेचर, तो हमको उतनी ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत वर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमारे कंट्री में. द ऋग वेद इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट टेक्स्ट. अब देखो जो वेदास होते हैं ना, राइट, तो वेदास में, वैदिक लिटरेचर में जो ऋग वेद है, वहाँ पे टोटल मतलब फोर वेदास है ना, तो जो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट है, दैट वे ऋग वेद. तो ऋग वेद, यस, सो ऋग वेद वेर द फर्स्ट टेक्स्ट. मतलब ऋग वेद जो है, इट इज कंसिडर एज द फर्स्ट टेक्स्ट. मतलब वैदिक लिटरेचर में सबसे पहला जो टेक्स्ट लिखा गया था, राइट, तो दैट वॉज ऋग वेद. ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस. अब वो कैसे फॉर्म में था, वर्सेस, जैसे वर्सेस बोलेंगे, जैसे कुछ हम लोग एक आयत होती है, तो उसके फॉर्म में था.
देयर आर फोर वेदास. नाउ देयर आर फोर वेदास, देखो कितने वेदास है टोटल. देयर आर फोर वेदास. नंबर वन इज रिंग वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा एंड अथर्वेदा. ओके, सो देयर आर फोर वेदास. नाउ द वैदिक टेक्स आर नोन एज संहिता. अब जो जो वैदिक टेक्स होता है ना, जो वैदिक में जो लिखते हैं लोग टेक्स में जो लिखा हुआ होता है, तो दैट इज नोन एज संहिता. उसे क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं. वीड मीन्स टू नो. अब देखो जो वीड है, वैदिक का वीड, राइट. सो वॉट द मीनिंग बाय वीड? वीड मीन्स टू नो, मतलब मालूम करना है ना, टू नो. एंड द टर्म वेदा ड्राइव फ्रॉम वीड. अब जो टर्म है वेदा का है ना, वेदास, तो वो किसे ड्राइव हुआ है? इट वे ड्राइव फ्रॉम वीड. ओके, द टर्म वेदा ड्राइव फ्रॉम वीड. ओके, अब वीड का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया. वीड का मीनिंग क्या होता है? टू नो, मतलब मालूम करना है. ओके, तो ऑब्वियसली वेदास में हम लोग किस वेदास के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन मालूम करेंगे. तो इसके लिए जो वीड है, इट्स मीन टू नो. एंड जो टर्म है वेदा, तो वो ड्राइव हुआ है वीड से, मतलब टू नो से. नाउ इट मीन्स नॉलेज. अब जो उसका मीनिंग क्या होता है, देखो द टर्म वेदा ड्राइव फ्रॉम वीड है ना. अब जो वेदा है, तो इट्स मीन नॉलेज. क्या है उसका मीनिंग? नॉलेज. ऑब्वियसली हम लोगों को देखो ये जो वैदिक कल सिविलाइजेशन है, उसमें क्या मिलेंगी? वो पीरियड की नॉलेज मिलेगी. सो द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन. अब देखो जो वेदास थे है ना, वो प्रिजर्व किए थे. ऑब्वियसली अगर वो हम लोग प्रिजर्व नहीं करके रखते, तो अभी तक हमारे पास वो चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होता है. अब हिस्ट्री जो होती है टोटली बेस्ड किसके ऊपर होती है? प्रीवियस नॉलेज के ऊपर होती है ना. अगर हम लोग अगर प्रीवियस चीज़ों को सेव करके रखेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, यस. सो द टर्म वेदा ड्राइव फ्रॉम विद है ना, जो वेदा का जो टर्म है, दैट वे ड्राइव फ्रॉम विद, विद से ड्राइव हुआ है. एंड दैट मीन्स नॉलेज है ना, नॉलेज. नाउ द वेदास हैव बीन प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन. अब जो वेदास है हमारी कंट्री में, जो वेदास है ना, रिंग वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्वा वेदा, राइट. तो अब ये सारी चीज़ें जो हमारे पास, ऑब्वियसली हमको इसके बारे में जो नॉलेज मिली है, तो वो किस कौन से फॉर्म में मिली है? थ्रू द ओरल ट्रेडिशंस है ना, ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू मिली है. नाउ द वेदास आर ऑल्सो कॉल्ड एज श्रुति. अब देखो वेदास को क्या बोलते हैं? श्रुति. वेदास तो बोलते हैं, बट बिसाइड दैट वी आर ऑल्सो कॉल्ड वेदा एज श्रुति. ओके, नाउ नंबर वन इज देर आर फोर काइंड ऑफ फोर टाइप्स ऑफ वेदास, राइट. फोर वेदास. नंबर वन इज ऋग वेदा है ना, सेकेंड वन इज यजुर्वेदा, थर्ड वन समा वेदा एंड द लास्ट वन इज अथर्वेदा. ओके, सो लेट सी वॉट इज रिंग वेदा. ओके, ईच वर्स ऑफ द वेदा इज नोन एज अ रिच. अब देखो जितनी भी वर्सेस और लिखी हुई है वेदा में है ना, जितनी भी वर्सेस लिखी हुई है, तो वो सब क्या है? इट्स कॉल्ड रिचा. उसे क्या बोलते हैं? जो वर्सेस लिखी हुई है ना, जो एक 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 इंडिविजुअली जो वर्सेस है वेदा में, तो इट इज नोन एज रिचा. उसे रिचा बोलते हैं. सो द वेदा कंसिस्टिंग ऋचा ऑफ रिचास इज कॉल्ड रिंग वेदा. अब देखो जो वेदा कंसिस्टिंग ऑफ रिचास, मतलब वेदा जो क्या कंसिस्ट कर रहा है? रिचास को कंसिस्ट कर रहा है. ओके, सो उसे क्या बोलेंगे? रिंग वेदा बोलेंगे. ओके, फर्स्ट देखो वेदा इज नोन एज रिचा. वेदा का जो सेकेंड नेम है, इट्स रिचा है ना, मतलब वेदा को रिचा भी बोला जाता है, राइट. एंड द वेदा कंसिस्टिंग ऑफ रिचास. अब जो वेदास में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो क्या होती है? दैट वेर रिचास. तो दैट इज कॉल्ड रिंग वेदा. ओके, रिचा मीन अ वर्सेस कंपोज टू प्रेज अ डीएटी, यस. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑब्वियसली ये देखो जो वर्सेस लिखी हुई होती है वेदास में है ना, तो फर्स्टली रिचा. रिचा मीन्स अ वर्स कंपोज टू प्रेज, मतलब देखो जो गॉड होते हैं, डीएटी मीन्स मानना गॉड, तो उनको प्रेस करने के लिए जो वर्सेस लिखी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिचा. ओके, इन शॉर्ट रिचा मीन्स अ वर्ड्स कंपोज टू प्रेस. कंपोज टू प्रेस डीएटी. ओके, मतलब गॉड को प्रेस करने के लिए जो वर्सेस लिखी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिचा बोलते हैं. ओके, एंड वेन अ नंबर ऑफ रिचास आर पुट टूगेदर टू प्रेज अ पर्टिकुलर डीएटी, यस. अब देखो बहुत सारे जो रिचास होते हैं, वो जब एक साथ लिखे जाते या फिर एक साथ लाए जाते हैं, राइट, मीन्स ऑल द रिचास आर पुट टूगेदर, सबको एक साथ रखा जाता है, लिया जाता है, और फॉर वट पर्स
फॉर वॉट पर्पज टू प्रेज अ पर्टिकुलर डियटी, मतलब किसी एक भगवान को किसी एक गॉड को प्रेज करने के लिए, है ना। द पोएटिक कंपोजिशन इज कॉल्ड शुक्ता। अब जो उसकी लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, पोएटिक होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, शुक्ता बोलते हैं। ओके, सुक्ता। नाउ द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ मेनी शुक्तास कंपोज टू प्रेज डिफरेंट डियटीज। अब देखो ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे ऐसे शुक्तास है, शुक्तास मीन पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, जो उन लोग लिख रहे हैं जो भी चीज़ में, जो भी वर्सेस उसमें है ऋग्वेद में, तो वो कौन से फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में, तो बहुत सारी ऐसे ऑब्वियसली मतलब वो लिखी हुई हैं, तो जो मतलब बहुत सारे जो गॉड होते हैं, डिफरेंट गॉड्स होते हैं ना, तो उनको प्रेस करने के लिए लिखी गई है। ओके, द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ मेनी शुक्तास। ऋग्वेद किससे कंसिस्ट है, सो मेनी शुक्तास। शुक्तास क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, पोएटिक कंपोजिशन है ना, तो वो बहुत सारी उसमें फॉर्म में कंपोज की गई है। और क्यों की गई है, टू प्रेज डिफरेंट डिएटीज, टू प्रेज डिफरेंट गॉड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यजुर्वेदा। नाउ व्हाट इज यजुर्वेदा, यजुर्वेदा संहिता। ओके, द यजुर्वेदा कंटेन मंत्रास अटर ड्यूरिंग अ यजना। अब देखो जो जो हिंदू कल्चर से बिलोंग जो पीपल्स होते हैं, तो उन लोग यजना एक, जैसे हम लोग इन आवर रिलीजन जैसे हम लोग फातिहा दिलवाते हैं ना, तो वैसे ही लोग यजना करते हैं, तो एट दैट टाइम जो मंत्रास उन लोग बोलते अल्टर करते ना बोलते हैं, सो द मतलब देखो यजुर्वेदा कंटेंट, यजुर्वेदा क्या कंटेंट कर रहा है, मंत्रास। इन शॉर्ट देखो हम लोग ने ऋग्वेदा में क्या पढ़े, उसमें पोएटिक कंपोजिशन होता है राइट, एंड यजुर्वेदा में क्या होते हैं, मंत्रास होते। अब द यजुर्वेदा कंटेंट मंत्रास अटर ड्यूरिंग अ यजना, मतलब एक यजना उन लोग रखते हैं ना, तो यजना के टाइम में मतलब एट द टाइम ऑफ यजना जो मंत्रास उन लोग अटर करते हैं ना, जो मंत्र उन लोग बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज यजुर्वेदा। ओके, यजुर्वेदा प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट हाउ एंड व्हेन द डिफरेंट मंत्रास मस्ट बी चैंटेड ड्यूरिंग यजना राइट। यस, अब देखो जो यजुर्वेदा होता है वो हमको एक तरीके से गाइडेंस देता है कि हम लोग को कौन सा मंत्र कब और किस सिचुएशन में बोलना है ना। दिस टेक्स इंक्लूड द वर्सेस ऑफ और पोएटिक incantations and their explanation in prose. Yes, अब देखो कैसा होता है ये जो टैक्स हो, these texts include, अब जो टैक्स होते हैं मतलब जैसे जो मंत्र होते हैं ना यजुर्वेदा में, तो वो इट इंक्लूड इन द वर्सेज ऑफ पोएटिक, ऑब्वियसली वर्सेज में भी होते हैं वो और पोएटिक में भी होते हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन। ओके, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है उसके साथ, जैसे भी ऋग्वेदा में पोएटिक लैंग्वेज है, यजुर्वेदा में पोएटिक प्लस फर्स्टली इन शॉर्ट मंत्रास होते हैं उसके अंदर है ना। अब मंत्रास जो होते हैं वो दोनों फॉर्म में होते हैं, वर्सेस के फॉर्म में भी होते हैं और पोएटिक के फॉर्म में भी होते हैं, एंड इट हैज गिवन देयर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, मतलब इन उसको प्रोज में एक्सप्लेन भी किया जाता है। ओके, नाउ डू यू नो, ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ सम सुक्तास। अब देखो कुछ जो सुक्तास है, ओके, तो उसका यहाँ पे मीनिंग दिया है। ओ अलमाइटी मेक इट रेन इन प्लेंटी, मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप इन अवर फील्ड। यस, ओ गॉड, अब ये देखो ये मंत्र में क्या हो रहा है, मतलब वो गॉड भगवान से बोल रहे हैं, अल्लाह से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेक इट रेन प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो, एंड मे वी गेट अ प्लेंटीफुल क्रॉप ऑफ अवर फील्ड, मतलब उनका जो फील्ड है, उनका जो खेत है, तो उसमें बहुत सारी क्रॉप ग्रो हो। मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर अवर चिल्ड्रन, एंड ऑफकोर्स देयर मे देयर बी प्लेंटी ऑफ मिल्क फॉर अवर चिल्ड्रन, मीन्स उनके चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज्यादा मिल्क हो। नाउ सेकंड वर्सेस, सेकंड सुक्तास इज देयर, सो व्हाट वर द मीनिंग ऑफ सेकंड सुक्तास। मे द काउ कम्स टू अवर होम्स एंड स्टे हैप्पीली इन देयर पेंस। यस, सो पेंस इज अ प्लेस वेयर द काउस आर सेटल, मींस पेंस का प्लेस होते जहां पे काउस रहती है, तो क्या बोला, देखो मे द काउ केम टू अवर होम्स, मतलब जो काउस है वो हमारे घर पर आ जाए, एंड इट इज स्टे हैप्पीली, वो अच्छे से खुश रहे, वेयर इन देयर पेंस, उनके पेंस में। मे दे बियर मेनी कैल्व्स। नाउ नेक्स्ट सूत्रास इज देयर, अराइज ओ पीपल डार्कनेस हैज वैनिश विद द एडवेंट ऑफ डॉन एंड सनलाइट कम्स। अब देखो जो डार्कनेस होती है, ऑब्वियसली इसमें कह दिया ओ पीपल डार्कनेस हैज वैनिश, जो डार्कनेस होती है ऑब्वियसली हमारी जो लाइफ होती है वो पूरी फ्लक्चुएट होती है ना, उसमें कभी सैड मोमेंट होते हैं, कभी हैप्पी मोमेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली जो सैड मोमेंट होते हैं उसको लेके हम बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हो जाते हैं ना,
उसको ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो वैसा नहीं रहना चाहिए. ऑब्वियसली सैड मोमेंट हर किसी के लाइफ में आते हैं, वी हैव टू फेस दैट सिचुएशन, वी हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, है ना. हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए. तो वैसे ही जो डार्क पीरियड है हमारी लाइफ में, ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है. यस, सो डार्कनेस हैज वैनिश विद द एडवेंट ऑफ डॉन एंड सनलाइट. जैसे ही देखो डॉन मीन्स जो अर्ली पीरियड होता है, जो हमारी एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है, तो एट वो टाइम का, एंड सनलाइट कम्स, और जब सनलाइट आती है तो वैसे होता है, मतलब जो डार्क पीरियड होता है हमारी लाइफ में वो कैसे होता है, आते जाते रहते. ऑब्वियसली हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑन कैसी होती है, कभी हैप्पी मोमेंट होते हैं, कभी सैड मोमेंट होते हैं. तो ऑब्वियसली जो डार्क मोमेंट है वो भी कैसे होते हैं, वैनिश हो जाते हैं, लाइक डॉन एंड सनलाइट कम. डॉन हैज अवेक द होल वर्ल्ड. अब जो डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग जब होती है, तो जब कैसे होता है, पूरी जो वर्ल्ड होता है, पूरा जो वर्ल्ड होता है, पूरी दुनिया होती है, वो कैसी हो जाती है, जाग जाती है, अवेक हो जाती है. सो लेट अस परस्यू अवर ओन ऑक्यूपेशन एंड अर्न रिचेस. यस, तो हमें क्या करना है, लेट अस परस्यू, हम लोगों को परस्यू करना है हमारा खुद का ऑक्यूपेशन, हमारा खुद का काम, एंड अर्न रिचेस, और हम क्या बन सके, रिच बन सके. नाउ नेक्स्ट वेदा इज समावेदा संहिता. ओके, द समावेदा प्रोवाइड गाइडेंस ऑन सिंगिंग ऋग्वेदिक वर्सेस टू अ सेट रिदम एंड ट्यून एट द टाइम ऑफ यजना राइट्स. यस, अब देखो यजना, ये भी कहाँ पर, कौन से टाइम में होता है यजना, यजना जब होती है राइट, तो एट द टाइम कैसे होते हैं, जो रिंग वेदा के जो वर्सेस होते हैं, तो उसे कैसे सिंग किया जाता है, दैट वाज सिंग इन द फॉर्म ऑफ रिदम, है ना, राइम्स के थ्रू में, ट्यून में उसको पढ़ा जाता है. द समावेदा हैज कंट्रीब्यूटेड इन अ मेजर वे टू ले इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक. अब देखो जो समावेदा है, इट हैड गिवन देयर कंट्रीब्यूशन इन द मेजर वे, मतलब उसका, समावेदा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन म्यूजिक में, है ना. इन शॉर्ट देखो यहाँ पे जो ऋग्वेदा और यजुर्वेदा, फर्स्ट जो यजना, यजना के टाइम पर जो मंत्रास होते हैं, जो वर्सेस बोली जाती है, तो उसे यजुर्वेद समावेदा संहिता में कैसा किया जाता है, उसको रिदम में, मतलब प्रोवाइड गाइडेंस दी जाती है ऑन सिंगिंग ऋग्वेदा वर्सेस, उसको सिंग किया जाता है, वो जो वेदेस वेदा जो रिंग वेदिक वर्सेस जो होती है उसको सिंग किया जाता है इन अ रिदम एंड ट्यून. ओके, नाउ अथर्ववेदा संहिता. द अथर्वा वेदा इज नेम्ड आफ्टर अथर्वा ऋषि. अब देखो जो अथर्वा वेदा का जो नेम पड़ा है, तो वो कैसे पड़ा है, आफ्टर अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि के बाद, मतलब उसका नेम पड़ा है, हुआ है, मतलब उसको जो नेम दिया गया है राइट, अथर्वा वेदी, अथर्वा वेदा, तो इट्स आर गिवन आफ्टर अथर्वा ऋषि. दिस वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री वेदास. ऑब्वियसली ये जो थ्री वेदास है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है ना, तो जो अथर्वा वेदा है, दिस आर द टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थ्री वेदास, मतलब रिंग वेदा, यजुर्वेदा एंड समावेदा, ये थ्री वेदास से जो अथर्वा वेदा है, इट इज वेरी डिफरेंट. इट इज़ मोर कंसर्न विद मेनी थिंग इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. यस, सो इट इज़ कंसर्न विद द मेनी थिंग. ऑब्वियसली जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो चीज़ें करते रहते हैं, है ना, वो उससे कंसर्न करते हैं राइट, जो ह्यूमन बींग जो डे बाई डे उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं. नाउ इट इंक्लूड सोल्यूशन टू एडवर्सिटीज एंड डिसीज. इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल हर्ब्स. यस, देखो इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूशन दी जाते हैं. ऑब्वियसली जो डिसीज, जैसे कोई डिसीज एट द टाइम अगर स्प्रेड हुई है, तो उसे कैसे रिलीफ मिलेगा, तो उसके बारे में यह इसमें अथर्वावेदा में लिखा हुआ रहता है. ओके, एंड बिसाइड दैट उसमें और जो मेडिकल हर्ब्स होते हैं, जिससे मेडिसिन बनाई जाती है राइट, मेडिकल हर्ब्स, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है किसमें, इन अथर्वावेदा में. द अथर्वावेदा प्रोवाइड गाइडेंस टू अ किंग अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्टर हिज किंगडम. यस, अब देखो बिसाइड दैट ऑब्वियसली हमको मेडिकल हर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है अथर्वावेदा में, एंड सोल्यूशन मिल रहा है बहुत सारी डिसीज के बारे में, एंड उसके अलावा हम लोगों को क्या मिल रहा है, द अथर्वावेदा प्रोवाइड गाइडेंस, अथर्वावेदा के थ्रू हम लोगों को गाइडेंस मिल रही है, नॉट इवन टू अस, मीन्स फ्रॉम अथर्वावेदा, अथर्वावेदा गाइड्स टू अ किंग. किसको गाइड कर रहा है, अथर्वावेदा किंग को गाइड कर रहा है अबाउट द वे ही शुड एडमिनिस्ट्रेशन हिज किंगडम, मतलब किंग को, एक किंग को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करवाना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए.
तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में भी जो गाइडेंस है वो किंग को कहाँ से मिल रही है, अथर्वा वेदा से मिली है। अंडरस्टूड? मतलब देखो ये जो थ्री जो वेदास थे, ऋग वेदा, यजुर्वेदा और समावेदा, ये गॉड से बिलोंग करते थे, है ना। लेकिन ये जो है अथर्वा वेदा, ये डीसे से बिलोंग करा है। इसके मेडिकल हर्ब्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बिसाइड दैट जो किंग है, तो किंग को मतलब गाइडेंस दी जा रही, मीन्स हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन हिज किंगडम। नाउ नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मणा टैक्स, अरण्यकास एंड उपन्यास वेयर रिटर्न आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहितास। यस, सो आफ्टर संहितास, राइट, आफ्टर संहिता द ब्रह्मन टैक्स, ब्रह्मन हैड रिटन सम टैक्स इन अरण्यकास एंड उपन्यास, ओके, एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर, मीन्स दिस थिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैदिक लिटरेचर, ओके, लाइक ब्रह्मन टैक्स मीन्स अरण्यकास एंड उपन्यास, है ना, ये जो दोनों हैं टैक्स है, सो दैट वर रिटर्न आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द संहिता, संहिता का जो कंपोजिशन होता है उसके बाद इन लोगों ने क्या लिखा था, अरण्यकास एंड उपन्यास, ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, ओके। नाउ लेट्स सी वॉट इज ब्रह्मणा टैक्स, ओके, दे वेयर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास इन यचना रिचुअल्स। नाउ ब्रह्मणा टैक्स, अब देखो ब्रह्मणा टैक्स में क्या हो रहा है, दे वेयर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस, अब देखो वो क्या कंपोज करे, दे वेयर कंपोज गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑन यूजिंग वैदिक मंत्रास, मतलब वैदिक मंत्रास जो होते हैं उसके ऊपर, मतलब जो यजना रिचुअल जो होती है, मतलब जो एक प्रथा होती है ना यजना, आपको मैंने पहले ही बताई, राइट, तो उसमें जो मंत्रास होते हैं तो उसके बारे में उनको गाइडेंस दी जाती है, किसमें, ब्रह्मणा में, यस, सो ब्रह्मणा टेक्स, सो व्हाट वेर इन ब्रह्मणा टेक्स, दे वेर कंपोज टू प्रोवाइड गाइडेंस, देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, जो ब्रह्मणा टेक्स में क्या लिखा हुआ रहता है, गाइडेंस लिखी हुई रहती है, मतलब जो वैदिक मंत्रास है जो यजना के टाइम पे, मीन्स इन यजना रिचुअल्स जो होती है, तो वो टाइम पे जब दिए जाते हैं ना, तो उसके बारे में उनको गाइडेंस दी जाती है। इच वेदा हैज इंडिपेंडेंट टेक्स कॉल्ड ब्रह्मणा, अब जितने भी वेदास है तो उन लोगों को क्या दिया गया, इट हैज इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट टेक्स, सो दैट टेक्स इज नोन एज ब्रह्मणास, ओके। नाउ अरण्यकास कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन और थॉट एक्सप्रेस आफ्टर मेडिटेटिंग विद डीप कंसंट्रेशन इन फॉरेस्ट और वाइल्डरनेस। यस, अब देखो जो अरण्यकास होता है, तो दैट कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, थॉट्स होते हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं आफ्टर मेडिटेशन, मतलब जो साधु होते हैं तो वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, डीप कंसंट्रेशन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चले जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं ना, और फॉरेस्ट में सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं ना, मेडिटेट करते हैं खुद को, अपने आप को, तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें अरण्यकास में। द अरण्यकास आर कॉन्सर्न विद एक्यूरेट परफॉर्मेंस ऑफ यजना राइट्स, अब देखो जो अरण्यकास है, तो दैट वेयर कॉन्सर्न विद एक्यूरेट, मतलब जितने भी परफॉर्मेंस किए जाते हैं, दैट वेयर एक्यूरेट जो यजना राइट्स में दिए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज उपनिषद। द टर्म उपनिषद इंडिकेट नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। यस, अब देखो जो टर्म है उपनिषद, है ना, तो व्हाट इज इंडिकेट, इट इंडिकेट नॉलेज एक्वायर, मतलब नॉलेज लेना बाय सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की फीट की साइड बैठ कर जो नॉलेज हम लोग ले रहे, तो दैट टर्म, दैट थिंग इज नोन एज उपनिषद, ओके। Human being have always wondered about event like life and death. Obviously, all human beings are very wondered. मतलब वो time में obviously तो जो people थे they were totally wondered. मतलब जो भी event होते थे like life and death, ये सब चीज़ों को लेकर वो क्या थे, जो people थे, जो human beings थे, वो they were totally in wonder. So it is not easy to find answer to them. Obviously
उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस थिंग. सो द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज. यस, तो उपनिषद में क्या होता था, मतलब ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज होते थे, है ना, जो बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज होते थे उसके ऊपर डिस्कस करना. ओके, सो द उपनिषद डिस्कस सच सीरियस एंड प्रोफाउंड इश्यूज. ओके, नाउ द फोर वेदास, ब्रह्मास, अरण्यकास एंड द उपनिषद वे आर कम्पोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स. अब देखो ये जो सारे हैं फोर वेदास, ब्रह्मास, अरण्यकास एंड उपनिषद, ये सब कब कंपोज किए गए थे, मतलब कब आए, कब लिखे गए थे, ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स पहले. मतलब देखो कितना पुराना है हमारे पास ये चीज़ें, जो वेदास है, ब्रह्मास है, अरण्यकास है और उपनिषद है ना, तो ये सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है सारी चीज़ों की, तो ये कब लिखी गई थी, कब कंपोज की गई थी, ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स, इतनी पुरानी लिखी गई थी. सो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड द वैदिक सिविलाइजेशन अंडरवेंट मेनी चेंजेस. यस, सो एट दैट टाइम सो मेनी चेंजेस वेयर ऑकर इन वैदिक सिविलाइजेशन, मीन्स वैदिक सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए थे वो पीरियड में. द वैदिक लिटरेचर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस एंड ऑफ द डे टू डे लाइफ इन द वैदिक पीरियड. नाउ वैदिक लिटरेचर, ऑब्वियसली वैदिक लिटरेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ दोज चेंजेस. अब देखो जो भी चेंजेस हुए थे, इतना बड़ा ड्यूरेशन था उसका, ये सारे जो ये जो वेदास, ब्रह्मास और अनन्यास एंड उपनिषद जब लिखे गए थे, कंपोज किए गए थे, तो कितना टाइम था उसका, 1500 ईयर्स. सो एट दैट टाइम देर आर सो मेनी चेंजेस ऑकर इन वैदिक सिविलाइजेशन, तो दैट चेंजेस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, मीन इन नेक्स्ट टॉपिक. वैदिक लिटरेचर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. नाउ पॉइंट नंबर 4.2, फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ. ओके, joint family system was prevalent in the Vedic period. The Grihapati was the head of the family, a man responsible for the family. Yes, now joint family. Obviously, previous times se joint jo joint family hai, usko bahut zyada important diya jata hai. Abhi bhi aise bahut sari families hai, jisme joint family system chal raha hai na. So joint family system were prevalent in Vedic period. Matlab bahut zyada important diya jata tha at the time of Vedic civilization and the Grihapati what the head means who were the head of that family, Grihapati, a man responsible for the family. Now his family included his old parents. Ab dekho jo family include ho rahi, matlab jo family ban rahi, right? So which people are there in the family? So firstly their old parents, means they are always with their old parents, wife, children, and also the families of the children, means unke jo children the to unki bhi family. It is also part of their family. ये भी उनका part था family का, right? And the younger brother and their families. Yes. And beside that, उनके जो brother थे, younger means little brother, तो उनकी भी family क्या थी? Part थी. मतलब these all people are come in a single family. Okay. This family system was patriarchal. In the initial period, there are references to women scholars such as Lobamitra, Gargi, and Maitreya in Vedic literature. However, slowly the restriction on women went on increasing and the position in the family and society became secondary. Yes. So at the time also there are so many scholar women are there, but slowly slowly their importance were decreased, hai na? Un logo ka jo importance tha wo kya ho gaya tha, decrease ho gaya tha. So the position, jab woman ki jo position di gayi thi to wo baad mein kaisi ho gayi thi, second di gayi thi. Okay.